Was it the voice? Was it the fire burning in me? Guys, अब हम लोग आ गए हैं पटना जाने वाले हैं, जो कि पुराने रीजन में उसे मगध बोला जाता था। और हम लोग जा रहे हैं अब गांधी सेतु, जो कि एक ज़माने में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज था और अभी भी ये टॉप 5 में है। और हम लोग अब जाने वाले हैं उसी पे, जिसकी गाइस की पूरी जो डिस्टेंस है वो 5.7 किलोमीटर है, जो कि अभी भी इंडिया में ऑलमोस्ट टॉप 5 में है। और आप देख सकते हैं जाने वाले हैं अब यहाँ पे, बिजली हो गए हैं। अब ये बहुत रिसेंटली बना है, लास्ट ईयर ही इसे फिर से बनाया गया, इसे मॉडिफाई किया, टोटली इसे मॉडिफाई करके बनाया गया। और आप देख सकते हैं यही अपना बिहार जो पूरे टोटली अब चेंज हो रहा था, देख रहे हैं आपको ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा आपको लग रहा होगा ये हावड़ा ब्रिज टाइप। और ये हमारा यहीं पे बहुत सारे केला होते हैं, आदिपुर का केला वर्ल्ड फेमस है, जिसे हम लोग बोलते हैं केला। इस मेरा एक मोटिव ये रहा कि मैं जहाँ भी आपको दिखाऊँ उसके बारे में बताते रहे वो किस चीज़ के लिए फेमस है। और ये अभी एक पार्ट यहाँ पे डेवलप हो चुका है इस ब्रिज का, और सेकेंड पार्ट अभी फिर से इसे बनाया जा रहा है, अभी प्रोसेस में। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा गंगा, जो रिवर गंगा है वो दिखाऊंगा। अभी इसमें बहुत सारा अभी बहुत पानी है उसमें। तो फाइनली ये है गंगा रिवर, ये अपना है गंगा रिवर। लोग इंट्री लेने जा रहे हैं पाटलिपुत्र, जो कि मगध अम्पायर का राजधानी था और अपना बिहार का राजधानी है। ये देखिए ये गंगा बहुत ही लंबा रिवर है, जो बहुत इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी है, आपको जो पता है। ये अपना महात्मा गांधी सेतु पुल, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये यहाँ से दूर दूर तक ये गंगा रिवर है। और यहाँ थोड़ा फास्ट है, यहाँ पे देखिए उस साइड अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है सेकेंड लेन के लिए। और ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल ये अपना गंगा रिवर, ये देखिए बहुत मस्त पटना। यहाँ से पटना स्टार्ट हो गया, तो हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर से पटना आ चुके हैं, 75 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे, जो कि शायद ये 10 सिख गुरु जो हैं उनका ये प्लेस यही है, बर्थ प्लेस शायद यही है, कंफर्म मुझे नहीं पता है, बट यही है शायद। पटना का वाटर पार्क छपाक ओपनिंग ऑन Was it the voice? Was it the fire burning in me?